आज है 18 जनवरी 2019 और 18 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वन प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा ने वन प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना इसका पूरा नाम है और इसका शुभारंभ किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिर इसका शुभारंभ किया क्यों है? तो वनों को बेहतर बनाने में मदद करेगी ये परियोजना और वनों में और वन के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका यानी कि उनकी जीवन शैली में सुधार करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है। अब त्रिपुरा ने इसको शुरू किया है तो आप मैप में देखिए, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल्लम बाईपास का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी हाल ही में केरल में कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। NH-66 पे बना है ये कोल्लम बाईपास और केरल में जो अलापुजा डिस्ट्रिक्ट है और तिरुवनंतपुरम है उसको जोड़ता है ये कोल्लम बाईपास और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 13 किलोमीटर लंबा है और ये 2-लेन बाईपास है। अब केरल में ये बना है तो आप मैप में देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं पी सदाशिवम। अच्छा, ये तो केरल के बारे में बेसिक है, लेकिन केरल से रिलेटेड मैंने दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, एक पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और एक शांत घाटी। ये दोनों आप याद रखिए, ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है और शांत घाटी भी केरल में है। और जब भी आप शांत घाटी का नाम सुनते हैं तुरंत एक और घाटी आपके माइंड में आ जानी चाहिए, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रबर एक्सपो 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडिया रबर एक्सपो 2019 का उद्घाटन हुआ है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हमारे प्रेजेंट टाइम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने उसका उद्घाटन किया है। ये 10वां इंडिया रबर एक्सपो है और इसका उद्घाटन सुरेश प्रभु जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम 2019 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम 2019 कार्यक्रम लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो सक्षम लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। सक्षम की फुल फॉर्म होती है संरक्षण क्षमता महोत्सव। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? संरक्षण क्षमता महोत्सव। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंट टाइम पे हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र प्रभु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राजेंद्र प्रभु एक वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे राजेंद्र प्रभु और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे। 1972 में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ग्लेन क्लोज को ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। 14वें ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है ग्लेन क्लोज को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं ग्लेन क्लोज और ये एक अनुभवी अभिनेत्री हैं। इनकी एक फेमस मूवी है द वाइफ,
तो इनकी इस मूवी का नाम भी आप याद रखिए, अब इन्हें 14वें ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान सुरक्षा और खान परीक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में खान सुरक्षा यानी कि माइन सेफ्टी और खान परीक्षण यानी कि माइन टेस्टिंग के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है केनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 50,000 करोड़ रुपए की ये योजना है, जय किसान ऋण मुक्ति योजना, और इससे 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचेगा। अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की है, तो आप मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ, और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश की जब भी बात आती है तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क मैं आपको बताता हूँ। एक कान्हा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऐसे ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क हैं। के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहां शुरू हुई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।